Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations with and subjugations of the principal Indian powers. Okay, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या देखा था कि कैसे मुगल का डिक्लाइन एंड इट्स लीड टू राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स. ओके, नाउ लेटर मुगल्स में हमने बहादुर शाह फर्स्ट को देख लिया था, जहांदार शाह को देख लिया था. इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेन ऑफ फरुख शेर और इनका जो टाइम पीरियड है 1713 टू 1719, ये इनका टाइम पीरियड है. सो फरुख शेर कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ आजिमुशाह और उनको ऑल्सो नोन एज शाहिद ए मजलूम. ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ इन्होंने क्या किया था फरुख शेर ने? इन्होंने अपॉइंट किया था सैयद ब्रदर्स को. सैयद ब्रदर्स हमने ऑलरेडी देखे थे कि कौन कौन है सैयद ब्रदर्स में. फर्स्ट अब्दुल्ला खान. नाउ अब्दुल्ला खान को इन्होंने फरुख शेर ने एज ए वजीर अपॉइंट किया था और जो दूसरे सैयद ब्रदर्स हैं दैट इज द हसैन अली, उनको इन्होंने एज अ मीर बख्शी की तरह अपॉइंटमेंट किया था. ओके, इट इज़ बिकॉज अब उस टाइम नोबल्स ने क्या कर लिया था, किंग मेकर्स बन गए थे और सैयद ब्रदर्स काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गए थे इन दी लेटर मुगल्स टाइम. ओके, और इन्होंने अपॉइंट किया था चिनक्लिच खान, जिनको हम अच्छे से जानते हैं इस नाम से, दैट इज द निजाम उल मुल्क, एज अ प्रोविंशियल गवर्नर. कहाँ के? दैट इज द डेक्कन के. ओके, नाउ अब देखो क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि द ब्रिटिश रिलेशंस और बेसिकली सब्जुगेशंस विद द प्रिंसिपल इंडियन पावर्स, क्योंकि यहाँ से लेटर मुगल्स के टाइम से क्या हुआ था. अब अगर इनकी चिनक्लिच खान की बात करें, इनको निजामुल मुल्क भी कहते हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नर बनाया गया था डेक्कन रीजन का, लेकिन लेटर इन्होंने क्या किया था, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद. अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर दिया था नेम हैदराबाद, और ये उन्होंने किया था 1724 समवेयर इन अक्टूबर. ओके ना, यही रीज़न था. देखो अपने आप उनको हमने एज ए गवर्नर की तरह अपॉइंट किया लेटर मुगल्स ने, लेकिन फिर उनकी ऑटोनॉमी अपनी इंक्रीज करके उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट को एक बेसिकली राइज किया, और यही रीज़न था लेटर जब ब्रिटिश ने इनके साथ सब्जुकेट किया इन प्रिंसिपल पावर्स को, जितना भी सारी ये डिजिटल पावर्स जो एमर्ज हुई थी ड्यूरिंग लेटर टाइम्स. अच्छा, आफ्टर दैट ही कमीशन्ड, दैट इज द फरुख शेर कमीशन, राजा जय सिंह सवाई, और ये जो थे ये अम्बेडकर थे. नाउ जब इन्होंने इसको कमीशन किया, नाउ इट लीड्स टू एक्सपेडिशन अगेंस्ट दी चार, इट्स लीड्स टू एक्सपेडिशंस against the Jats. Next important point रह जाता है इनका, जो सिख लीडर थे बांदा बहादुर, अब उनको क्या किया था, now he was taken as a prisoner at Gurdaspur, उनको prisoner बना दिया था Gurdaspur में और लेटर एग्जीक्यूट कर दिया गया था उनको, दैट इज अ बांदा बहादुर को, दिल्ली ऑन द 19th June टू बी वेरी प्रिसाइज 1716. नाउ अगर हम देखें जो एसेंडेंसी थी ना ऑफ द सैयद ब्रदर्स, अब क्या हुआ था, एक टाइम तक अगर किसी की पावर इंक्रीज हो रही है और वो इतनी हो जाती कि वो हर चीज़ में इम्पैक्ट कर पाए, हर चीज़ में इंटरफेरेंस कर पाए, तो यही जो एसेंडेंसी थी ऑफ द सैयद ब्रदर्स की, अब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी थी अदर्स के लिए, दैट इज एक्साइटेड द जेलसी ऑफ फरुख शेर. नाउ बेसिकली फिर फरुख शेर ने क्या किया, हु अटेम्प्टेड टू गेट रिड आउट ऑफ देम, बट जो सैयद ब्रदर्स थे ना उनको पता चल गया है, और उन्होंने क्या किया, सैयद ब्रदर्स पुश्ड द एम्परर बाय डिपोजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग हिम, और ब्रदर सैयद ब्रदर्स ने उनको ही मरवा दिया. ठीक है, दैट इज सैयद ब्रदर्स पनिश्ड. उनको लगा कि ये जो एम्परर हैं वो हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उसको पनिश करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, एम्परर को डिपोजिंग डिस्पोजिंग एंड एग्जीक्यूट कर दिया,
और करवा दिया इन अ हॉरिबल वे। और ये जो इंसिडेंट हुआ था इट वॉज इन 1719 अप्रैल। ओके, एक और इवेंट हुआ था इनकी रेन में फर्रुख शेर का, दैट इज पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने एम्परर के कोर्ट में विजिट किया था, बेसिकली ये विजिट किया था इन्होंने एम्परर के कोर्ट में, और वो चाहते थे और बेसिकली आस किया था कि यदि हमें राइट मिल जाए टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी ऑन दी मराठा लैंड। ठीक है, मराठा लैंड। कुछ और भी पॉलिसी अगर हम देख लें इनकी, तो फर्रुख शेर ने क्या किया था, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है ना, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। अब ये कैसे रिलीजियस टॉलरेंस इन्होंने किया था, बेसिकली बाय अबॉलिशिंग जजिया, जजिया को अबॉलिश कर दिया था। अदर इन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को, जब अगर आप कोई पिलग्रिमेज साइट जा रहे हो तो वो आपको टैक्स देना पड़ता था, उसको अबॉलिश कर दिया था। अगर हम देखें 1717 में, तो इन्होंने काफ़ी फेमस जो है दैट इज द फरमान्स इशू किए थे टू द ब्रिटिश। ओके, बट अगर फिर 1719 में क्या हुआ था, जब सैयद ब्रदर्स ने क्या किया था इनको, विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से लिंक करो, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने विजिट किया था कि हमें चौथ एंड सरदेशमुखी दे दो, पर इन्होंने नहीं दिया था। व्हाट विल हैपन कॉन्स्पिरेसी के तौर पे, जब सैयद ब्रदर्स ने फिर पेशवा बालाजी की हेल्प से कि आपको वो नहीं दे रहे हैं, इट इज़ बिकॉज डिफेक्टो और डिज्यूरे रूलर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो सैयद ब्रदर्स ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम दिलवा देंगे आपको, बट आपको हमें थोड़े हेल्प करनी पड़ेगी। और वो हेल्प किस तरीके से करी, करवाई उन्होंने कि सैयद ब्रदर्स ने मिलके पेशवा बालाजी विश्वनाथ को डीथ्रोन कर दिया फर्रुख शेर को। लेटर उसको ब्लाइंड कर दिया गया था फर्रुख शेर को, एंड दैट इज वाई ये कहा जाता है कि हॉरिबल वे में इनको क्या किया गया था, किल किया गया था। नाउ इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री, अगर हम देखेंगे जो एम्परर है ना, इट वाज किल्ड बाय हिज नोबल्स। तो ये देखो यहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन जाता है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द मुगल हिस्ट्री जहां पे एक एम्परर को किसने किल किया, बाय हिज नोबल्स ने। इतने पावरफुल नोबल्स हो गए थे, इतनी उनकी अथॉरिटी इंक्रीज हो गई थी। सो दिस इज अबाउट द फर्रुख शेर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।